नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं जबलपुर साइकियाट्रिक क्लिनिक में। जैसा कि मित्रों मैंने आप लोगों से बताया था कि आने वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हमने जाना था माइग्रेन होता क्या है, आज हम लोग जानेंगे कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो मित्रों मैं आप लोग को बता दूं कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट दो तरीकों से किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एबॉर्टिव ट्रीटमेंट और प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि एबॉर्टिव ट्रीटमेंट किन में किया जाता है, प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट किन में किया जाता है। तो मित्रों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ट्रीटमेंट का अपना क्राइटेरिया होता है, हम किस पेशेंट में कौन सा ट्रीटमेंट करें या किसी पेशेंट में दोनों ट्रीटमेंट करें, ये पेशेंट के हिस्ट्री पर डिपेंड करता है, पेशेंट के हेडेक के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई माइग्रेन का पेशेंट हमारे पास आता है जिसको माइग्रेन का एपिसोड आ रहा हो, दर्द आ रहा हो, तो निश्चित तौर पर हमें एबॉर्टिव ट्रीटमेंट मतलब आप समझ गए होंगे कि उस दर्द को खत्म करने का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अब एबॉर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देखिए एबॉर्टिव ट्रीटमेंट का पर्पस ये होता है कि जो माइग्रेन के पेशेंट को दर्द आ रहा है उसको समाप्त किया जाए, और समाप्त करने के लिए हम विभिन्न किस्म के दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, नेप्रोक्सेन, और कई पेशेंट में हम लोग एंटीमेटिक का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट में जो दर्द आता है वो अधिकांशतः उल्टी या मितली को लेते हुए आता है। तो हम आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, नेप्रोक्सेन और अन्य दर्द निवारक गोलियों की मदद से माइग्रेन के पेशेंट के दर्द को समाप्त करते हैं। कई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ओरल ट्रीटमेंट काम नहीं करता, जिनमें जब हम दवा देते हैं तो माइग्रेन के पेशेंट का दर्द रिलीफ नहीं होता। मैंने आपको बताया था कि माइग्रेन का दर्द अन्य किसी सर दर्द से जुदा इसलिए होता है, अलग इसलिए होता है क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, वह एक माइल्ड पेन नहीं होता, वह बहुत तीव्रतर दर्द होता है। व्यक्ति अपने सामान्य दिनचर्या को कर पाने में असमर्थ होता है। तो हम ऐसे बहुत सारे मरीज देखते हैं जिनको ओरल ट्रीटमेंट देने पर, जिनको टैबलेट्स या कैप्सूल देने पर उनका दर्द समाप्त नहीं होता, तो ऐसे मरीजों पर हमें इंजेक्टेबल्स का प्रयोग करना पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे इंजेक्टेबल्स ड्रग आते हैं जिनका प्रयोग करने से हम माइग्रेन के किसी एपिसोड को एबॉर्ट कर सकते हैं, एबॉर्ट खत्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एबॉर्टिव ट्रीटमेंट। अब हम किसी भी तरीके से, चाहे ओरल तरीके से या इंजेक्टेबल तरीके से, हम माइग्रेन के दर्द को समाप्त तो कर दिए। अब प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट की क्यों जरूरत है, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एबॉर्टिव ट्रीटमेंट से हम पेशेंट के एक एपिसोड को तो बंद कर दिए, उसके दर्द को तो समाप्त कर दिए। अब जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि माइग्रेन का दर्द पीरियोडिक होता है, आवर्ती होता है, वह कुछ समय आता है फिर व्यक्ति पेन फ्री इंटरवल मतलब दर्द से मुक्त एक अंतराल गुजरता है, और तत्पश्चात पुनः दर्द का एपिसोड आता है। तो हमने एक दर्द के एपिसोड को तो रोक लिया, लेकिन आगे आने वाले दर्द के एपिसोड को हम कैसे रोके या कैसे उसे प्रिवेंट करें, इसके लिए कई मरीजों में हमें प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का कुल मतलब यही है कि हम माइग्रेन के अन्य आने वाले एपिसोड को रोक दें, उसे आने से रोक दें। इसके भी कई इंडिकेशन होते हैं। अब जैसे हमारे पास कई मरीज आते हैं जो कहते हैं कि साहब हमें महीने में एक बार दर्द होता है या महीने में दो बार दर्द होता है। तो ज्यादातर ऐसे मरीज जिनमें एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार दर्द होता है, हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट नहीं चालू करते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का जो इंडिकेशन है वो यह है कि माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति को महीने में 5 या उससे अधिक एपिसोड माइग्रेन हेडेक के आ रहे हों।
यदि कोई व्यक्ति हमें आके कहता है कि साहब हमें तो 5 बार 6 बार 7 बार ऐसे एपिसोड आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों पर हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको ये जरूर बता दूं कि कुछ ऐसे अपवाद पेशेंट भी होते हैं जिन्हें एक ही एपिसोड पे या दो ही एपिसोड पे हमें माइग्रेन का ट्रीटमेंट, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। अब वो कौन से पेशेंट होते हैं? वो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक ही एपिसोड भले ही पूरे महीने में आए, लेकिन वह एक एपिसोड अपनी सीवियरिटी में बहुत 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 हाई होती है। उस एक एपिसोड में जो आने वाले 1, 2, 3 या 4 दिन हैं, उन दिनों में मरीज की अवस्था बद से बदतर हो जाती है। अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यदि आपके उन इम्पॉर्टेंट दिनों में, उन महत्वपूर्ण दिनों में जो कि आपके जीवन के प्रगति के लिए बहुत आवश्यक हो, अगर ऐसा दर्द आ जाए जो कि तीव्र से भी तीव्रतर हो, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के लिए, उसकी प्रगति के लिए एक बहुत हानि होगी। तो ऐसे मरीज जिनमें हमें यह हिस्ट्री मिलती है कि जिनका एक एपिसोड ही भले ही महीने में आया हो लेकिन वो बद से बदतर रहा है, तो ऐसे लोगों में हम प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट का स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली फर्स्ट लाइन ड्रग प्रोप्रानोलोल होता है, जो कि एक बीटा ब्लॉकर होता है और जिसका बहुत ही बेहतर असर हमें दिखता है प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में, जो कि आने वाले अन्य माइग्रेन के एपिसोड को रोकता है। अन्य गोलियों में, अन्य ड्रग्स में अगर हम बात करें तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हैं, मूड स्टेबलाइजर हैं जैसे कि डायवलप्रेक सोडियम, टोपिरामेट और अन्य। इसी तरीके से SSRIs का भी प्रयोग किया जाता है और अन्य कई गोलियां उपलब्ध हैं जो कि प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसे हम एबॉर्टिव ट्रीटमेंट में और प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में बांटते हैं। कई मरीजों में हमें केवल एबॉर्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है और बहुत सारे मरीज ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें एबॉर्टिव के साथ ही साथ प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आम जनमानस में माइग्रेन संबंधी अवेयरनेस बढ़ सके। मेरे इस वीडियो को कमेंट भेजिए, आपको ये कैसा लगा, और मुझे बताइए कि आप किन विषयों पे अन्य वीडियो देखना चाहते हैं। तो मित्रों, दिस इज डॉक्टर ज्ञानेन्द्र झा साइनिंग ऑफ।